वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त से चने की दाल के पकौड़े बनाते हैं और कुछ लोग उसे कहते हैं दाल वड़ा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट 1.5 कप चना दाल है जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था। आप 2-3 घंटे भी भिगो सकते हैं, लेकिन जैसा आपका दिल चाहे, आप अपने बॉस हैं। तो चले सबसे पहले हम इसको किसी भी तरह के फूड प्रोसेसर में या मिक्सर में डाल के इसको पीसेंगे। पानी जो है इसमें नहीं होना चाहिए, हमने पानी जो है इसका ड्रेन कर दिया है। ये चली गई सारी। चले इसको अब हम थोड़ा सा घुमा देते हैं। चले इस पॉइंट पर अब हम इसमें कुछ डाल देंगे, हरा धनिया और हरी मिर्चें, प्याज। तो ये देखिए 1 हैंडफुल जितना हमने हरा धनिया लिया है, ये डाल देते हैं। हरी मिर्चें आप पे डिपेंड्स है कि आपको कितनी पसंद है, ये मेरी 3 है। जितना तेज़ खाना हो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और ये 1/2 कप जितनी रफली चॉप्ड अनियन है जिसको अब हम इसमें डाल के थोड़ा सा पीस लेंगे। बस ये हो गया और अब इसे हम अपने बर्तन में निकाल लेंगे। चल ये अच्छे से निकल गया और अब इसमें हम डालते हैं थोड़े से कुछ मसाले अपने। चले सबसे पहले हम डाल देंगे 2 टीस्पून अदरक पिसा हुआ, आप चाहें तो छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हैं, और 2 टीस्पून लहसुन पिसा हुआ। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून क्रश पेपर, कुटी हुई मिर्चें, हमारी बिल्कुल तेज़ नहीं होती है, अगर आप चाहें तो आप कम डाल दें, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर का पाउडर और 1 टीस्पून भर के नमक। और इसमें जाएगा लेमन, इसमें अराउंड हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून के आसपास लेमन जूस। और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून चावलों का आटा, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नस्टार्च भी डाल सकते हैं। तो ये चला गया। चले अब हम ग्लव्स पहन लेते हैं झटपट और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। चले ये तो ज़बरदस्त सा हमारा हो गया। और अब हम क्या करते हैं, इसे 2 तरीके से बनाते हैं, डीप फ्राई भी करते हैं और हम इसे एयर फ्रायर में भी बनाते हैं, ताकि जिसको जो पसंद आए वो करे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्राई वाली चीज़ें जो होती है ना उसमें कर लो, वो अच्छा है। तो ये चले अब हम इसको प्री हीट करते हैं। टेम्परेचर हम पिक कर लेते हैं 375 और टाइम हम पिक कर लेते हैं 10 मिनट, सही है, आप प्ले कर देते हैं। चले अब यहाँ हमने ऑयल अपना गरम करने के लिए रख दिया था जो कि अभी मीडियम पे है, और हाथ लगाओ तो अच्छी सी हीट आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दाल तो भीगी भी है, पकी भी तो नहीं है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी शेप बनाना हो बनाएं। मैं ये जैसे कन्वीनियंट रहेगा तो मैं मुट्ठी का शेप बना रही हूँ, आप लंबी बनाएं, कबाब की तरह बनाएं, गोले बनाएं, जैसा अच्छा लगता है बनाएं। तो ये देखें ये 1 मुट्ठी बनाई और मैं ये डाल रही हूँ। देखा कितना इजी है, झटपट ज़बरदस्त से बन जाएंगे और 2 तरीके के बनाएंगे। इसको आप एज ए एपेटाइज़र भी खा सकते हैं, हमारे यहाँ तो हर एपेटाइज़र जो है ना वो नान के साथ और डबल रोटी के साथ मेरे हबी को बहुत पसंद है, बच्चे भी खा लेते हैं दोनों तरह से, बड़े शौक से खा लेते हैं, सैंडविच बना के खा लेते हैं, रूखे खा लेते हैं। तो बेसिकली अब आपके घर में जिस तरह से पसंद आए आप इसको बनाएं, मेहमान आए तो उनके सामने भी सर्व कर सकते हैं, चीप भी है, एंटीक भी है, मज़ेदार भी है, क्योंकि कॉमनली अवेलेबल नहीं है तो वैल्यूबल भी है और फिर सस्ता भी है, सारी चीज़ें देखे घर में मौजूद है। जब हम ये सारे डाल देंगे आधा, जब तक वो प्री हीट हो जाएगा तो फिर वहाँ डाल देंगे।
जब तक कि एक साइड आपको फर्म नहीं महसूस हो, आपको चम्मच चलाना नहीं है इसमें वरना टूट जाएंगे। रहने दें, खुश खुश पता चल जाएगा कि भाई वो एक साइड पे हो गए, फिर आप हिला सकते हैं। चलें, ये मेरा लास्ट यहाँ जा रहा है, अब हम एयर फ्रायर की तरफ चलेंगे। चलें, अब एयर फ्रायर को खोलते हैं। ये देखें कैसा गर्मा गर्म हो गया है। अब एयर फ्रायर के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इस पर तेल डाल देते हैं। इस पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे और फिर बनाएंगे, क्योंकि वो उसमें तो तेल जाता नहीं है। तो तकरीबन हमने एक टीस्पून के आसपास या थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल दिया है। बस चलो, चलें इसको देखें, ये जो ब्राउन हुआ है इसको हम थोड़ा सा पलट देते हैं वहाँ डालने से पहले कंप्लीट। ये देखें कितने अच्छे से हो गए, एक तरफ देखें कितने मज़े से हो गए हैं। अब हमने पलटे हैं, उससे पहले नहीं पलटेंगे, वो खुद कहेंगे कि हमें पलटें जब पलटेंगे। चलें अब वो कंटिन्यू करते हैं हम अपना एयर फ्रायर वाला। आपकी मर्ज़ी है, एयर फ्रायर में भी लंबा बनाए, गोल बनाए, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है बनाए। चलें इसको अब डालते हैं, प्ले का बटन दबाते हैं। चलो गाना शुरू हो गया इसका, और मैं ये ग्लव्स निकालती हूँ और अपनी इस कबाब को निकालती हूँ। इसको निकाल लेते हैं, ये देखें कितने खूबसूरत सा कलर हो गया है। चले, ये ज़बरदस्त सा हो गया। चूल्हे को बंद करते हैं, डेंजर को हटाते हैं। बस ये हमने 10 मिनट का टाइमर सेट किया था प्री हीट के साथ, तो बस इसको हम 2-3 मिनट बाद चेक करेंगे। अगर पलटने की ज़रूरत कभी कभी होती है तो पलट देते हैं, कभी कभी तो मैं पलटती नहीं हूँ, ऐसे ही बन जाता है। आपको दिखाएंगे कि करते क्या है। देखिए 10 मिनट पूरे हो गए हैं, अब हम खोल के देखते हैं कि लग कैसा रहा है। लग तो अच्छा रहा है। अब ऐसा करते हैं, स्प्रे कर देते हैं ऑयल का, इससे क्या होगा शाइनी और लगेगा कि हमने इसको फ्राई किया, ऐसा लुक देंगे। और थोड़ा सा हिला लेते हैं, जला लेते हैं इसको। ये देखें कितने खुश खुश है अब, कि इनको लग रहा है इन्हें भी थोड़ा बहुत ऑयल मिला। पहले एक टीस्पून मिला, अब एक टीस्पून मिला। अब इसको हम 2 मिनट और चला लेते हैं और फिर खोलेंगे। चलें 2 मिनट में हम डिश आउट करते हैं। ये देखें हमने यहाँ प्लेट वगैरह तो तैयार कर लिए, तो चलें इसको सजाना भी शुरू कर देते हैं और फिर उसको ज्वाइन करवा देंगे। तो ये देखें मैंने 2 तरह के सॉस रखे हुए हैं। वैसे तो मैंने बेशुमार चटनियाँ सिखाई हुई हैं और बनाई हुई हैं, आप जो भी रेड चटनी, ग्रीन चटनी, हर तरह के टमाटो केचप सब के साथ खा सकते हैं। तो ये अब इसको लगाते हैं और उसकी जगह छोड़ेंगे। चले खोल के देखते हैं। ये देखें कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। देखें गर्मा गर्म हेल्दी वर्जन, रेगुलर वर्जन, हर वर्जन रेडी है। देखा कैसे झटपट हमारे ज़बरदस्त से, सस्ते सस्ते से, दिल खुश पॉकेट खुश पकौड़े बन गए चने की दाल के। मानते हैं? देखें मैं आपको बताती हूँ कि लग कैसे रहे अंदर से। ये देखें ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से गुई, मज़ेदार। चावल का आटा भी डाला था ना, तो उसका क्रस्ट इतना ज़बरदस्त है बनाया और अंदर जो है वो गुई है, और टेस्ट इतना वो लेमन जूस जो डाला ना उसकी वजह से बहुत यूनिक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। मसाले भी बहुत मुतनासिब है, खा ही लेती हूँ पूरा। और अब एयर फ्रायर का ट्राई करते हैं, ठीक है, हेल्दी वर्जन। ये देखें इसका क्रस्ट डिफरेंट है, इतना क्रिस्पी नहीं है जैसे फ्राई वाले का है, लेकिन अच्छा सा है और अंदर नरम है। वो कॉन्ट्रास्ट एकदम, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मुलायम, दोनों अपने अपनी जगह है। ज़ाहिर है हेल्दी खाना है तो थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मेरी फर्स्ट चॉइस फ्राई वाला है और सेकेंड वो वाला है। आपको जो दिल चाहता है बनाएं, खाएं, मज़े करें, धमाल मचाए।
चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।